उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कटरा नाज स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने जीएसटी की विसंगतियों पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट द्वारा माल मंगवाने पर ई बिल एक्सपायर होने पर व्यापारी को दोगुनी पेनल्टी देनी पड़ती है, जो गलत है। विभाग को सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन न देकर स्टेट का रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए, क्योंकि 90% व्यापारी ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं समझ पाता। बहुत से व्यापारियों का जीएसटी रिफंड नहीं हो रहा है। विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे छोटे व्यापारी इस कोरोना काल में आर्थिक रूप से उभर सके। वही व्यापारियों का 1917 से वेट का रिफंड भी नहीं आया, जिसको जल्दी दिलाया जाए। मेडिकल उत्पादों पर 18% की जीएसटी लगती है, जो न्यायपूर्ण गलत है। वही उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल लेट होने पर लगने वाले ब्याज को खत्म करना चाहिए। प्रेस वार्ता में दीपक अग्रवाल के साथ मोहन लाल सैनी, प्रदीप गुप्ता, पूरन सिंह सैनी, विनोद अरोड़ा आदि मौजूद रहे। आज एक व्यापार मंडल की सभा जीएसटी की जो विसंगतियाँ चल रही हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं और व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा, उसके खिलाफ रखी गई थी। जीएसटी में जैसे ट्रांसपोर्ट द्वारा माल मंगाने पर ईवे बिल यदि एक्सपायर हो जाता है, तब व्यापारी को टैक्स के बराबर पेनल्टी देनी पड़ रही है माल के चेक होने पर, जो कि सरासर गलत है। एक माल का टैक्स दो बार, यानी कि विभाग को चाहिए जिस स्टेट के रजिस्ट्रेशन होना है, सेंट्रल में न जाकर स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद सर्वे हो जाए और व्यापारी का रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में जल्दी हो जाए और बाहर की स्टेट से आने वालों का आर्थिक उत्पीड़न न कर पाए। 90% व्यापारी ऐसा है जो ऑनलाइन या किसी नोटिस का रिप्लाई या रिफंड इंग्लिश में कर सके, जबकि विभाग इंग्लिश में जवाब मांगने लगा है। अगर हिंदी भाषी स्टेट है तब समस्त कार्य हिंदी में होना चाहिए, जबकि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदुस्तानी हैं और मोदी राज में हिंदी की जगह इंग्लिश होना उचित नहीं है। जो व्यापारी 18, 12 या 5% जीएसटी देकर माल खरीदते हैं और माल तैयार होने पर वह टैक्स फ्री है, जिससे व्यापारी का टैक्स रिफंड नहीं हो रहा है, जबकि विभाग कहता है कि हम 2 साल तक का ही रिफंड देंगे, इससे पुराना नहीं देंगे। अगर मान लो 17-18 में जीएसटी चालू हुई है, 17-18 का सरकार रिफंड नहीं दे रही, न जीएसटी विभाग इसमें कुछ बोल लिया, जो कि व्यापारी का करोड़ों रुपया इसमें अटका हुआ है, जो उचित नहीं है। एक ITC क्रेडिट वेरिफिकेशन बहुमत सर्विसेज में 18% जीएसटी लगता है, जो कि कम होना चाहिए, यानी कि जो बहुत सी सर्विसेज हैं जैसे होटल में बेरा